तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में यहाँ पर दो नई वैकेंसीज के बारे में हम बात करेंगे जो कि अशासकीय स्कूल में आ रखी हैं। एक तो यहाँ पर पीआरटी की आ रखी, दूसरी जो है प्रवक्ता की आ रखी, लेक्चरर की। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं जो रूल और रेगुलेशन होते हैं, गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलता है, पे ग्रेड भी वही मिलता है इसमें। और यहाँ पर जो वैकेंसीज आई हुई हैं, सबसे पहले वो आई कि आपकी ये आपका एक्स सोल्जर्स जूनियर हाई स्कूल सुभाषगढ़ विकासखंड लक्षर हरिद्वार में निकल के आ रखे हैं। तो अगर इसके डेट के बारे में बात करें, पब्लिश डेट 11/4/2021, यानी कि 11 अप्रैल को निकल के आ रखे हैं। 21 डेज जो है इसकी लास्ट डेट होती है, यानी कि 11 से 21 डेज आप लगा लीजिए तो लास्ट डे आपको पता चल जाएगा। अगर इसमें हम बात करें तो प्राइमरी लेवल में कौन कौन से पोस्ट यहाँ पर आई हुई हैं, तो सहायक अध्यापक है प्राइमरी का, जो कि कुल 3 पोस्ट के लिए आ रखा है। वेतन आप लोग देख सकते हैं 54,900 से स्टार्टिंग है, और मेरे ख्याल से वेतन जो है LT ग्रेड का दे दिया इन्होंने, ठीक है, प्राइमरी लेवल का नहीं दे रखा है। इसमें जो एक पद है वो हिंदी का है, अनुसूचित जाति वालों के लिए है। दूसरा जो है यहाँ पर सामान्य अध्ययन वालों के लिए अनारक्षित है। और तीसरा पोस्ट जो है यहाँ पर गणित विज्ञान अनारक्षित के लिए, गणित विज्ञान का मतलब ये है कि साइंस वालों के लिए। तो साइंस साइड में यदि PCM ZBC कुछ भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर न्यूनतम योग्यता के बारे में बात करें तो वही होना चाहिए आपके पास जो यहाँ पर PRT में होता है, स्नातक होना चाहिए और 50% अंकों के साथ अनिवार्य होना चाहिए आपके पास। यहाँ पर BEd होना जरूरी है, और यदि आपके पास DLED है तो भी यहाँ पर चल जाएगा, DLED वालों के लिए भी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे कहा गया है, 50% लिखा गया है, ठीक है। हालांकि जो PRT भर्ती आर के पुराने वाले उसमें 50% वो हटा दिया गया था, लेकिन ये उसी रूल के अकॉर्डिंग अभी चली हुई है, ठीक। TT फर्स्ट यहाँ पर जरूरत होती है इसमें। और इसमें अगर बात करें, यहाँ पर जो वैकेंसीज आई हुई हैं ये जो है किस तरह से आपको आवेदन फॉर्म मिलेंगे, तो ये आपके आवेदन फॉर्म मिलेंगे जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा रोशनाबाद हरिद्वार। तो यहाँ से मिलेगा 300 रुपये का आपका डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, जो कि आपका पोस्ट ऑर्डर से लगा सकते हैं या बैंक से लगा सकते हैं। और सेंड भी आपको यहाँ पर मुख्य शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा रोशनाबाद के ही नाम पर से आपको सेंड करना पड़ेगा। UTET फर्स्ट होना कंपलसरी है इसमें। और अगर बात करें यहाँ पर जो चालान लग सकता है आपका, वो स्टेट बैंक से भी लगा सकते हैं। और उत्तराखंड का मूल निवास होना जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट में अगर नाम है तो जरूरी, ये जरूरी होता है, नहीं तो आप रिन्यूअल कर रखा है, पंजीकृत कर रखा है, तो आपने रिन्यूअल कर रखा है तो आप फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर यहाँ मेन चीज़ आप लोग देख सकते हैं, लिफाफे की जो दाई ओर है पदनाम है, और सॉरी बाई ओर पदनाम है और दाई ओर जो है विद्यालय का नाम अंकित करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो है रूल और रेगुलेशन वही है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है सब कुछ, ठीक है। अगर बात करें सेकेंड वैकेंसीज के बारे में, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो सेकेंड वैकेंसीज आई है प्रवक्ता क्या रखी है, गोविंद वल्लभ पंत इंटर कॉलेज भवाली नैनीताल। तो ये 15 तारीख को निकल रखी है, 21 डेज इसकी भी लास्ट डेट है। और यहाँ पर जो है वही पोस्ट अशासकीय पोस्ट है ये भी, और सबको रूल और रेगुलेशन वही होते हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। और टॉप 7 में आना, अगर आपके पास गुणांक के आधार पर टॉप 7 है तो आपका नंबर यहाँ पर आ जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में जो है आपके पास यहाँ पर फिर सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, ठीक है, यानी कि आपका इंटरव्यू होता है, फिर उसमें जो है यहाँ पर सिलेक्शन होता है उसके बाद से। प्रवक्ता संस्कृत का है, एक पोस्ट है, लेवल 47,600 से स्टार्टिंग है, अनारक्षित के लिए है। और इसमें आपको जो योग्यताएं हैं आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए संस्कृत से, और साथ ही साथ जो है आपके पास हिंदी भी होना चाहिए ग्रेजुएशन में या इंटर में। BEd होना कंपलसरी है, UTET CTET की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका फॉर्म जो मिलेगा वो भी आपका मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल पर ही मिलेगा, ठीक है। जितने भी फॉर्म होते हैं वो आपके मुख्य शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में मिलते हैं। 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट इसमें मिलेगा, बाकी सब कुछ वही है, 21 डेज का भी है। और फॉर्म बता दिया मैंने कहाँ मिलना है। और इसमें अगर बात करें 21 से लेके 42 तक अप्लाई कर सकते हैं इतने एज के अभ्यर्थी। स्थायी निवास उत्तराखंड का होना चाहिए, आयु में छूट मिलेगी, सब कुछ वही है, सेवा योजन कार्यालय में होना चाहिए सब कुछ, बाकी रूल और रेगुलेशन सब वही है जो मैंने ऑलरेडी बताए हुए काफ़ी वीडियोस में। तो इच्छुक अभ्यर्थी जो है अप्लाई कर सकते हैं इन पदों के लिए, फिलहाल इसमें इतना ही।